अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है फ्रेंड्स। अच्छा, आज आपके लिए जो मैं लेकर आया हूँ एक एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन सबके लिए यूज़फुल है और सब उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उसका नाम है नोटबुक। और अभी आपको मैं प्ले स्टोर से बताऊँगा आपने कौन सी नोटबुक इस्तेमाल करनी है, वो सबके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसकी वजह क्या है कि अक्सर हम अपने काम सेट करते हैं कि आज ये काम मैं नहीं करूँगा बल्कि ये काम कल कर लूँगा, लेकिन वो कल काम याद नहीं आता, वो परसों काम आता है याद, लेकिन उससे पहले पहले वो काम होना ज़रूरी होता है। तो उसका हल नोटबुक है। तो आप क्योंकि जितने भी आपके काम होंगे अपने नोटबुक में लिख लेंगे और रात को सोते वक्त वो सारे काम जो दिन में आप करें उनसे वो माइनस कर लें, तो आप अपनी प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। उसके अलावा वो काम आपको कैसे याद आएंगे या कैसे कौन याद कराएगा कि कौन सा काम कब करना है, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन का नाम नोटबुक है, कलर नोटबुक हम जो है वो नोटबुक इस्तेमाल करेंगे और वो नोटबुक के आपको फंक्शन बताएंगे। उसमें आपको मैं वैसे वर्बली भी बता देता हूँ कि उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। उसमें आप अपने नोटबुक में अपने सारे काम आप राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और उनके आगे टाइम भी लिख सकते हैं या फिर अलार्म भी लगा सकते हैं, रिमाइंड भी लगा सकते हैं। रिमाइंडर यानी कि आपने सुबह 11 बजे किराने की दुकान पर जाना है, अपने घर का सामान इसको मैंने कब जाना है वो दुकान पर, आपने जाना है 11 बजे, तो आपने 11 बजे का टाइम सेट करके रिमाइंड इसका लगा लेना है। तो 11 बजे खुद या जैसे अलार्म बोलता है वैसे आपको याद करवाएगी, जनाब आपका टाइम हो गया, जाएं और जाके ये काम करें। और इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, वो आपको मैं अभी इंशाल्लाह मोबाइल की स्क्रीन पे बता देता हूँ। तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल और हेल्पफुल हो सकती है, आप इसको देखें, आपको अच्छा लगेगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी हम फाइनली अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं और हमने प्ले स्टोर से ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर से ओपन करने के बाद हमने इधर सर्च में लिख लेना है नोटबुक। तो नोटबुक ये वाली हमने इस्तेमाल करनी है, ये जो आपको नज़र आ रही है जिसका नाम कलर नोट नोट पैड है, तो इसको ओपन कर लेना है और ये ओपन हो गई। तो मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई थी तो इस वजह से ये सारी चीज़ें लिखी आ रही हैं। तो मैंने डिटेल में लिखी हुई हैं, यानी कि उनको डिटेल से चेक कर रहा हूँ, नाम ऊपर और नीचे उनके जो भी काम है, कि यानी कि सर मैंने लिखा था रात को कि जनाब कल के दिन में मैंने क्या करना है, तो मैंने इधर से नेक्स्ट किया, इधर से फोर्थ रमज़ान लिखा और फोर्थ रमज़ान को मैंने क्या क्या करना है, ये देखें आज के दिन आज फोर्थ रमज़ान है, आज मैंने ये काम करने हैं कि मैंने तैयब जाबर और आरब साहब, इसरार साहब और उमर भाई को कॉल करनी है। तो ये काम आप कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं सिटी में गया था, मैं अपने काम भूल जाने थे, फाइबर के मैंने डोर पता किया था, उन डोर की मैंने प्राइस इधर लिख दी हैं कि मुझे भूल ना जाएं। उसके अलावा आप दिन में जो भी काम करने हैं, और ये फ़र्ज़ करें कि मैंने फोर्थ रमज़ान को इनको कॉल करनी है या आपने घर का सामान लेकर आना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपने सिटी में जाना है तो आपने जितने भी काम करने हैं आपने यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जब करने हैं वो भी आपको ये टाइम बता देगा। ये देखें आपने वो 3 डॉट पर आपने सबसे पहले वो क्लिक कर लेना है कॉर्नर पे, उसके बाद आपने रिमाइंड में जाना है। रिमाइंड में जाने के बाद यहाँ से आप अपना वो रिमाइंड सेट कर सकते हैं, टुडे जो भी है ये वो आप अपना वहाँ से यहाँ से टाइम भी सेट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक और फंक्शंस का बताता चलूँ कि आपने यहाँ पे 3 डॉट पे आपने क्लिक करना है, यहाँ से आपको कैलेंडर नज़र आएगा, आर्चीफ, यहाँ से आर्चीफ ट्रैश आपको डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पर आएगा आर्चीफ। अगर आपने कोई चीज़ छुपानी है दूसरों से तो आप उस पर दबा के क्लिक करके रख के तो यहाँ से आप आर्चीफ में फेंक सकते हैं। उस यहाँ से इसके यहाँ से आप इसका जो कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा चेकिंग भी कर सकते हैं, वो यानी कि सेटिंग्स कर सकते हैं। ट्यूटोरियल, यानी कि ट्यूटोरियल ये होती है चीज़, ट्यूटोरियल ये होता है कि आपको इसके फंक्शंस नज़र नहीं आ रहे तो आपको ये एप्लीकेशन वाले खुद हेल्प करेंगे। उसके अलावा आप इसको अपने किसी ईमेल एड्रेस के साथ लिंक भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको आर्चीफ का बता दूं कि आपने ये चीज़ छुपानी है तो आपको इसको 3 दबा कर रखें और 3 डॉट पर क्लिक करके आर्चीफ भी आप सेंड कर सकते हैं, यानी कि रख सकते हैं। उसके अलावा आप यहां से डिलीट भी कर सकते हैं, उसके अलावा कलर भी चेंज कर सकते हैं, रिमाइंड भी लगा सकते हैं और मोर में के ये ऑप्शन आ गए हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने जनाब अपने बाज़ार में जाना है, बाज़ार में जाने के लिए आपने कुछ ये सारे आप फ़र्ज़ करें कि ये आपने सारे काम लिख लिए हैं और आपने बैक करना है कि ये सारे वो आपने काम लिख लिए हैं, आपने 3 मोर पर क्लिक करना है। फ़र्ज़ करें कि आप नहीं गए, आपका भाई गया हुआ है, तो आपने ये सारे काम उसको वैसे याद नहीं रहने, तो आपने ये टाइप करने हैं। टाइप करने के बाद आपने इस यानी कि ये इधर क्लिक कर रखना है 3 और ये 3 डॉट पर आपने मोर पे क्लिक करना है और सेंड पे क्लिक कर देना है। सेंड पे क्लिक करना है तो उसको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।
उसके बाद आप इसमें यानी कि ये सारे फंक्शंस हैं, अभी मैं आपको शॉर्टली बस थोड़े से बताए हैं। तो उसके अलावा आप इसका व्यू चेक कर सकते हैं, मैंने डिटेल से लिखा हुआ है, आपने लिस्ट में भी यानी कि कर सकते हैं कि आपको बस उनके टाइटल्स आ गए हैं नज़र। उसके अलावा आप यहाँ के बैकअप में भी कर सकते हैं, सर्च में भी। फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पर सर्च में की हुई है आसिफ अली टीवी, आसिफ तो आसिफ अली टीवी की वो आ गई, नोटपैड आ गई। तो उसका मैंने कौन सा कलर रखा, वो कलर के साथ भी आ गई कि इसके साथ ये कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करता है, वो मैंने लिखी हुई हैं। तो ये इस तरह की एप्लीकेशन है, आपके लिए बहुत ही नहायत यूज़फुल हो सकती है। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आप इसमें दिन में जो भी काम लिखेंगे उनके आप रिमाइंड सेट कर लेना, आपको इंशाल्लाह कभी भी कोई काम आपका लेट नहीं होगा, आपको भूलेगा नहीं। तो आप अपने सारे काम सही से सारे अंजाम दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको इस तरह की हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस नेक्स्ट भी देते रहेंगे। तो उसके लिए वही जो आप समझ रहे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।